कोच नंबर वन ये है गोब्रो। ओ अजय सर, अजय सर इतना इतना जब से शादी होगी तब से शादी शादी कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, मतलब हद होगी ना। जब से शादी हुई तब से शादी शादी शादी। What's up? Welcome back to a new vlog. सोचा था जिम में जाके अच्छे से सिनेमैटिक शॉट्स शूट करूँगा, बट वो नहीं हो पाया। जिम में जस्ट हम गए, चेंज किया और लाइट चली गई। थोड़ा सा शायद इन्वर्टर का प्रॉब्लम हो रहा है जिम में, उस वजह से जो लाइट्स थे वो भी बंद हो गए। फिर सिनेमैटिक शॉट करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास कैनन नहीं था, DSLR था, GoPro था। अब GoPro तो लो लाइट में काम करता नहीं है, इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। लेकिन भैया हम रिटर्न नहीं आए, हमने एक्सरसाइज करी दबा के, वो भी पूरे 2 घंटे। कोई था नहीं जिम में, जितने लोग आ रहे थे सब रिटर्न जा रहे थे। सिर्फ जो मेहनती लोग थे ना मेरे जैसे इक्के दुक्के, वही जिम में आया, उन्होंने अपना पसीना बहाया। इतना भयानक पसीना आया कि मैंने चेंज भी नहीं करा, वैसे ही अपने हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाते से ही शटर बंद और सीधा घर पे। सोचा था कि भूख नहीं लगी, क्योंकि आज मैंने काब्स बहुत लोड किए थे सुबह में। एक्चुअली लेग डे था, सो लेग डे के दिन मैं काब्स बहुत लोड करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज हो जाती है तो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। लेकिन भूख लग रही है। ये एक्चुअली 3 अंडों का ऑमलेट है, इसमें से एक अंडे का येलो जो है वो मैं निकाल देता हूँ। इतना बड़ा बनता है कि ये मुझसे पलटता ही नहीं है, और नीचे नीचे वाला पूरा बन सीख जाता है, बन जाता है। ऊपर वाला जो है ना वो बनता नहीं है, तो पलटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मम्मा टूटना नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो मैं पलटाता हूँ, पता है। हाँ, वही तो, इसलिए तो मैं रुक गई थी। नहीं, इलेक्ट्रिक पे मम्मा नहीं बैठ पाएंगे। अरे इसका हुक मिलता है, मेरे को पता है मिलता होगा, पर अब कहाँ चिंदी दुकान पे। आप चिंदी दुकान नहीं, बड़े दुकान पे हुक मिलता है। हाँ, मोबाइल की स्क्रीन फूट जाती है क्या, मोबाइल चेंज करते हो? हाँ, 200-400 का तो बेल्ट आएगा। 200-400 का नहीं आता मैडम, 100 रुपए का तो पेट्रोल भी नहीं आ रहा है आजकल। 200-400 का बेल्ट आएगा। आपको म्यूजिक का बड़ा शौक चढ़ गया भाई। हाँ, देखो तो सही। पहले तो नहीं था, हम लोग निकले थे छोटी गाड़ी लेके, पहले सोचा इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे, बस घर से थोड़ा दूर निकले नहीं कि बारिश हो रही। मैंने कहा जान दो यार, गाड़ी ले लेते, कहाँ भीगते हुए जाएंगे। ऐसे भी फिर यूँ होगा कि भीगने में तो मज़ा बहुत आ जाता, लेकिन ये है कि बस एक ही जगह जाओ, थोड़ा सा भीगो, रिटर्न आ जाओ, बाकी जगह घूम भी नहीं पाते, इसलिए कार से चलते। आंटी ने एक बैग नहीं उठाया यार, एक छोटा सा पर्स तो उठा लेती। वो बेचारा अंकल देखो, 1, 2, 3, 4 हद होती है। ये नॉटी रोबोट कुछ ज्यादा छोटे बच्चों के लिए। ये वाला माँ डार्ट गन, ये वाली अच्छी है। ये 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 चाहिए आपको? हाँ, यही तो चाहिए था मुझे। वाह यार, ये अच्छा है बेटा, हम आपको सोना दिला रहे थे, आप तो लोहा ले। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू पैसे बचाने के लिए। देखा, अच्छा हुआ ना अपन कार ले आए, हम यहीं खड़े रहते, यहीं पे भिगे हुए। अरे आपने क्या लिया? हा? आपने क्या लिया बताओ? देखो भैया, ये आर्यो का बर्थडे गिफ्ट है, मात्र 200 रुपये। बच्चा हो तो ऐसा। अबे हैंडल खोलो, खोला दरवाजा। ओ भाई, बस यहाँ से वहाँ आने तक ये हालत हो गई यार। और दूसरी बात, मेरे गाड़ी का सामने का हैंडल टूट गया। एक्चुअली टूटा नहीं, किसी ने कोशिश करी उसे तोड़ने की, और जब वो आधा टूट गया, अभी जब मैं खोलने गया तो पूरा टूट गया यार, खुल ही नहीं रहा था दरवाज़ा, उतने में सारा भीग गया। पीछे का दरवाज़ा खोल के मैं अंदर आया, और जब तक दरवाज़ा लगा था बाजू से जोर से गाड़ी गई, उसके शुरू आया सारा पानी हमारे ऊपर। भाई साहब को तो पानी में बिल्कुल मजा नहीं आया। आपके जैसे ही आपका बेटा, आपके बालों में इतना पानी जितना बारिश में भी नहीं हो रहा है।
चांगले द्या काकू। अबे ये क्या दिए वापस कर दो, जला हुआ दिख रहा है वो। हे चांगले द्या काका, ये बहुत जला हुआ है, ये जला ले वो चांगले द्या। भाई साहब खतरनाक बारिश हो रही है, खतरनाक। और एक तो है ना इतने जोर से सुसु आई है कि कब घर जाऊं और कहां, बाहर जा नहीं सकता ना, ये तो प्रॉब्लम है। ऐसी बारिश चल रही है, ऐसे भी इतने भीगे हैं तो थोड़ा गर्मा गर्म भुट्टा खा लेते हैं। और दूसरी दुख भरी बात ये होगी कि मेरा ये हैंडल दिख रहे हो कार वाला, ये टूट चुका है। 7-8 दिन पहले मैंने देखा था कि किसी ने साइड वाला जो एंगल है ना उसको निकाल दिया। मैंने कहा ठीक है अब सर्विसिंग में जाने वाली है, 5-6 दिन बाद कर लेंगे। आज जब मैं दौड़ा दौड़ा आया, खींचा हैंडल, तो पता चला यार हैंडल टूट गया, सीधा हाथ में ही आ गया यार, और डोर खुला ही नहीं, उसके चक्कर में इतना भीग गया मैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म है यार ये तो, हम तो खा कैसे रहे हो आप। चलो मैं तो इसको घर पे जाके खाऊंगा। काका कच्चे कच्चे दिले। अरे अंकल सुनो भी इतना भीग रहा है। भीग रहा है, सही बात है यार, मतलब ये लोग इतने बारिश में भी काम कर रहे हैं। पेट का सवाल बाबू भैया, पेट का सवाल क्या है? पेट का सवाल। वैसे तो निगोशिएट करने में अपन माहिर है, बट यार ऐसे लोगों के पास देख के लगता है 10-20 रुपये को काहे निगोशिएट करो, छोड़ दो 10-20 रुपये तो अपन ऐसे ही खर्च कर देते हैं, फिर बेचारे का कुछ भला तो हो जाएगा। ऐसे भी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यार। और फॉग देखो भैया, फॉग देखो पूरे शीशे पे चढ़ गया है। मम्मा ने अच्छी फोटो खींची थी क्या? नहीं मैंने अच्छी खींची थी, है ना? सही बात है ना। किसने अच्छी फोटो खींची, किसने अच्छी फोटो खींची बताओ? मैंने, क्योंकि मैं ही सबसे डैडी का सबसे अच्छा फोटोग्राफर हूँ। यस आर अभी सबसे अच्छा फोटोग्राफर है भैया। अरे एक अच्छी फोटो खींचने के लिए बोला था, इतनी अच्छी लीन पोज आ रही थी मेरी, मैंने कहा चलो यार अच्छी से फोटो खींचो, इसको एंगल बता दो कि इस एंगल से ले फोटो, लेकिन नहीं हिलेगी भी नहीं, पता है एक जगह बैठी है वहीं से कैमरा हिला रही है। अब ऐसी गंदी फोटो आएगी तो फिर गुस्सा नहीं आएगा, कभी तो इंसान फोटो खींचता है। खुद की फोटो खींचने की बारी आएगी ना, तब यहाँ से खींचो, वहाँ से खींचो, इधर से खींचो, ऐसे खींचो, वैसे खींचो, परेशान कर लिया यार इसने। पता है कहाँ चली गई, दिख नहीं रही, ये यहाँ पे परेशान कर लिया इसने, परेशान। क्या जला लगा कि गैस पे कुछ जल रहा है, लेट करन भी हो तुम सही में। क्या जला सब होने के बाद ये दिख नहीं रहा है ये। मुबारक हो, रिटायरमेंट के दिन नजदीक आ रहे। अभी भी ये लेकर आ गए? एक्सक्यूज मी, मैं खाओ ना संडे खाना। हाँ तो हल्का हल्का डाइट। चीट डे के नाम पे पहला चीट डे मैंने इतना खतरनाक वाला सेलिब्रेट किया था कि दूसरे दिन एकदम एक महीने का प्रेग्नेंट हो चुका था मेरे पास। इसलिए थोड़ा थोड़ा चीट डे करो, जो भी अपनी फेवरेट चीज़ है उसे खा लो, बट यूँ नहीं कि बहुत ज़्यादा फैट भर लो, बहुत ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर लो, थोड़ा थोड़ा। वैसे हल्का सा चीट डे क्या किया अपन ने आज, 2 चपाती और राइस खाली, दैट्स इट, और थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी भजी, दैट्स इट। ऐसे क्यों बोला? तो आपका बेटा पगला है, कोई भी बोलता है। लड़की चॉकलेट रख के गई थी। अरे कोई लड़की नहीं रख के गई थी, एक MR मुझे डॉक्टर्स डे पे दे गया था कि सर हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे 1 तारीख को था, आज की तारीख है पता है आपको? हाँ तो 1 तारीख से भूल गया था मैं, उसे फ्रिज में ही रखी हुई थी, वहाँ जाके मैं ले आया। दिमाग में लड़की कैसे आई? उसके दिमाग में आपने घुसाई इसलिए आई। मेरे पास वीडियो है, वीडियो है मेरे पास। हाँ तो मेरे पास भी CCTV की फुटेज है, दिखा दूंगा मैं कि मेरे को ये मार लेनी थी। लो आप बोलो, आप बोलो। देख लो भैया ऐसा होता है हाल शादी के बाद, इसलिए ना बैचलर लाइफ ही अच्छी है। काम करो, घर आओ, खाओ, सो जाओ, काम करो, घर आओ, खाओ, सो जाओ, कोई झिकझिक नहीं, ये साफ करो, वो करो, यहाँ रखो, वहाँ रखो। बैचलर हो ना तो मानो, मत करो शादी। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल। होप यू लाइक द व्लॉग, अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिंदगी बड़ी मस्त है। बाय बाय।